हेलो एंड वेलकम बैक टू गांव कनेक्शन। मेरा नाम है शिवानी गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की एक ऐसी कोशिश है जिससे ग्रामीण भारत में पिछले हफ्ते जो कुछ भी मुख्य हुआ वो आपको हम खबरों के माध्यम से आप तक लेकर के आ सकें। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गर्मी का मौसम आते ही वाटर शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस, ऐसे रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण महिलाओं को बड़े बड़े बाल्टियाँ डब्बे ढोते हुए, क्योंकि अक्सर ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे में गांव कनेक्शन ने एक सीरीज लॉन्च करी है पानी यात्रा के नाम पर। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण भारत में वाटर शॉर्टेज, वाटर वूज को लेकर के जो भी ग्रामीण भारत का जो स्ट्रगल है उसको हम दर्शा सकें। इसी कड़ी में हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट करी है बिहार से। हमारी गांव बुलेटिन की पहली स्टोरी बिहार के खगड़िया ज़िले से है, जहाँ पर कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनको लिवर कैंसर ये सारी बीमारियों से गुजरना पड़ा और कई लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। इसकी वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, वहाँ के पानी में आर्सेनिक कंटेंट पाया गया है। इस सब से परेशान होकर के गांव वालों ने जो कुएं हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करी है। उन्होंने हैंड पंप्स से जो पानी आता है उसको पीना बंद कर दिया है और जितने भी गांव में वेल्स हैं उनको रिवाइव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना भी है कि जब से उन्होंने कुओं का पानी पीना शुरू किया है ऐसे लिवर कैंसर इन सब केसेस में काफ़ी गिरावट आई है। आइए देखते हैं बिहार के खगड़िया से गांव बुलेटिन की हमारी पहली स्टोरी। सब आदमी कोशिश करते हैं कुआं का पानी पीने का, क्योंकि कुआं का पानी अच्छा है, इसमें आयरन और आर्सेनिक से मुक्त है। पानी का इस्तेमाल तो पीने में, खाने में और नहाने में, तीनों चीज में हो रहा है। नहाना धोना हर कुछ यहाँ होता है, कपड़ा लत्ता धोना या कोई फंक्शन होता है, पूजा पाठ होता है तो यहाँ से ही जल लिया जाता है। ये सारा काम यहाँ शुरू हो रहा है, कुआं सही तरीका से चल रहा है। इसमें शादी ब्याह होता है तो वो भी काम इसमें होता है, जो कि इस समय बहुत मुश्किल हम लोग को होता था। अब यहाँ बहुत अच्छा है, एक ये चीज़ भी बताया जाता है कि कहाँ जाना है तो कुआं के पास जाना है, ये भी चीज़ होता है। पूरी दुनिया में भारत से आम की कई किस्में निर्यात की जाती हैं, उनमें से एक किस्म दशहरी आम भी है। लेकिन क्या आपको पता है दशहरी आम की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारी गांव बुलेटिन की दूसरी स्टोरी। पुराना बहुत है, इका कोई बताए नहीं पाए, 100 साल गए, 200 साल, 1 साल गए, इका कोई बताए नहीं पाए थे। पुराना पेड़ है, हम लोग छोटे छोटे रहें तब से एक पास इंक्वायरी होती रही है, एक एक से अधिकारी लोग आए देख के। गांव वालों का ये दावा है कि दशहरी आम की शुरुआत यहीं से हुई, क्या है? यहीं शुरुआत भई है, यहीं से मलिहा बाजारे जो रहें दोस्ती में आए, खाएं उसके दोस्ती बना के कलम मान ले गए रहे मलिहा बाजारे। अच्छा, ये असली पहचान है, जिसको खाक भी दे रहा है बर्मा से, उसी खेत दे रहा है कि बना ना पाओ है मलिहा बाग वाले, ऐसा दोस्ती बनाएगी यहाँ और कलम बांध लेंगे। बस आम की पैदाइश दशहरी की यहाँ है और फेमस मलियाबाद है। हाँ, ये देख लो असली पेड़ यही है। आप में से कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और आपको घर बैठे अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके पीछे होते हैं डिलीवरी पर्सन्स, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर ये डिलीवरी पर्सन्स पुरुष होते हैं। लेकिन दिल्ली का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को एज अ डिलीवरी पर्सन ट्रेन कर रहा है और उन्हें एक आजीविका का सहारा भी दे रहा है। ऐसे ही पूरे भारत में 250 महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है एज अ डिलीवरी पर्सन। CSIRIM ने भारत को लैवेंडर ऑयल का प्रमुख निर्यातक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का अरोमा मिशन इस दिशा में कार्य भी कर रहा है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इस मिशन के अंडर जम्मू में लैवेंडर की एक विशिष्ट किस्म भी विकसित करी गई है।
आपको मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में 1000 ऐसे किसान परिवार हैं जो लैवेंडर की खेती करते हैं। इस मिशन के अंडर महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा मिले, किसानों को आय मिले, उसके लिए बीते हफ्ते डोडा जिले में लैवेंडर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया। सब जाने अपनी शोक मात, हर एक बिगड़ी लुवंडर लात। सब जाने अपनी शोक मात, हर एक बिगड़ी लुवंडर लात। बिखड़े पदरे सारे हो, बिखड़े पदरे सारे हो, बिखड़े पदरे सारे हो। बढ़ती गर्मी और क्लाइमेट चेंज के कारण किसानों के लिए खेती काफी ज्यादा नुकसानदायक हो रही है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 दिन का वेदर फॉरकास्ट से लेकर के कितना फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खेत में आपको डालना है, दिन में आप फसलों पर कब छिड़काव कर सकते हैं, ये जानकारी से लेकर के पास की मार्केट में रेट क्या चल रहा है फसलों का, ये सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। फार्म प्रिसाइज नाम से ये ऐप 5 भाषाओं में अभी अवेलेबल है, उड़िया, तेलुगु, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। देश के 4 स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान इस ऐप के थ्रू जुड़े हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी खेती में मदद भी मिल रही है। बीते हफ्ते 26 मई को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का बजट रिलीज किया गया। ऐसे में कई ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी गई, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन को 500 से 1000 बढ़ा दिया गया है, 14 मेडिकल कॉलेजेस को 2100 करोड़ का फंड्स भी एलोकेट किया गया है, नमामि गंगे के अंडर चल रहे जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ फंड्स भी एलोकेट किए गए हैं। आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं किस योजना को कितने कितने फंड्स एलोकेट किए गए। पानी, जब ये शब्द आप सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपके जहन में शायद एक अलर्ट, एक चेतावनी आती होगी कि हाँ, हमारा देश जल संकट से जूझ रहा है। आपको पता होगा कि हमारा ग्राउंड वाटर कंजम्पशन कितना ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और हम कैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे में जो पानी की अवेलेबिलिटी है उस पर कोई मेजर्स या फिर उसको मैनेजमेंट को लेकर के कोई भी मेजर्स नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं इस इशू को गाँव बुलेटिन की हमारी 7वीं स्टोरी में। तो इस हफ्ते के गांव बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस हफ्ते का गांव बुलेटिन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गांव बुलेटिन का एक नया एपिसोड लेकर के। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन।